हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिट चैट विद नीलम। आज मैं आपके साथ माइक्रो ग्रीन प्लांट यानी कि पुदीना प्लांट के विषय में जानकारी शेयर कर रही हूँ कि हम इसको किस तरीके से अपने घर में, अपने गमलों में और कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं, इसकी किस तरह से हम केयर कर सकते हैं और आसानी से इसको किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं इसके विषय में जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से पहले पा सकें। और आपको अगर लगता है कि वीडियो काम का है तो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करें और इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर करें। इस प्लांट का तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि मेडिसिनल प्लांट है और माइक्रो ग्रीन प्लांट्स में आता है। डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। समर्स में इसको लगाया जाता है और इसको ना कटिंग के थ्रू लगाते हैं या इसको हम नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं। और बात करते हैं इसके पॉट की, तो इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप जैसे शैलो पॉट होते हैं ना या ग्रो बैग्स होते हैं उसमें लगा सकते हैं या छोटे छोटे से कंटेनर्स में लगा के भी हम अपनी बालकनी वगैरह में या टेरेस पे रख सकते हैं। अगर हमारे पास जगह नहीं है तो छोटे छोटे कंटेनर्स में भी लगाकर इसको रख सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको जैसे कि बास्केट्स होती है ना या ट्रे टाइप के जो गमले होते हैं उसमें भी आसानी से लगा सकते हैं। बस मिट्टी की अगर हम इसकी बात करें तो मिट्टी जो होती है ना इसकी बहुत ही सॉफ्ट बनानी है, बहुत ही ऐसे लाइट वेट सॉफ्ट और भुरभुरी सी होती है, उस टाइप से मिट्टी हमें इसकी तैयार करनी है ताकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो आसानी से मिट्टी में फैल सके ताकि अच्छे से ग्रो हो सके। इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो सॉइल मीडिया तैयार करना होता है उसको हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि इसमें 30% जो है हमारा वो गार्डन सॉइल होगी, 30% हमारा रिवर सैंड होगा और 40% हम इसमें कंपोस्ट ले लेंगे जिसमें कि हमारे गोबर के खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम फली वगैरह ऐड कर लेंगे और चाहें तो हम थोड़ा सा इसमें कोको पीस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर तैयार करके हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे जिसमें कि हम इसको अपने पुदीने प्लांट को लगाएंगे। और लोकेशन की अगर हम इसकी बात करें तो फ्रेंड्स इसको ना थोड़ा सा धूप पसंद होती है तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि इसको कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिलती रहे। अगर इसको अच्छे से धूप मिलेगी ना तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग जैसे कि पौधा अगर आप लगाने की सोच रहे हैं पुदीने का और नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो नर्सरी से जब हम प्लांट लेकर आते हैं ना तब हमें लगा के इसको डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, तो हम इसको क्या करेंगे 10 दिन तक जो है थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे कि इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। जब भी थोड़ा सा ऐसा लगे आपको कि मिट्टी में अच्छे से सेटल हो गया तब हमें इसको थोड़ा सा धूप में रखना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है ना वो मुरझा जाता है। इसके बाद इसकी अगर हम वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग का जरूर हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी हमें जो है इसकी थोड़ी सी मॉइस्ट रखनी पड़ती है, अगर इसकी मिट्टी सूखती है तो प्लांट हमारा थोड़ा सा जो है ना लीव्स इसकी थोड़ा सा मुरझाई सी हो जाती है, सूखी सी हो जाती है। तो मिट्टी जो है हमारी इसको वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी होती है कि ऐसा वाटर लॉगिंग ना हो कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अगर ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो भी क्या होगा कि जो इसकी रूट्स है ना वो गल जाएंगी और अगर पानी कम रहेगा तो इसकी जो पत्तियाँ ना वो सूखने लगती हैं। तो पानी का इसका ध्यान देना है, मॉर्निंग में आपको वाटरिंग करनी है और फिर शाम के समय आपको इसकी वाटरिंग करनी है। पानी का ध्यान रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करता रहता है। और इसकी फर्टिलाइजर की बात करें फ्रेंड्स तो इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर चाहिए होता है, इसके लिए आप इसमें गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, नीम खली वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद का जो कंपोस्ट ही बनती है वो दे सकते हैं। इसको हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है इसके लिए क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो हार्मफुल होता है और इसका हमें खाने में यूज़ करना होता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ ना करके नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे। हम इसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, किचन में इसका फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं और अगर हम इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे ना तो इससे क्या होगा इंस्टेंट फर्टिलाइजर मिलता है और प्लांट भी हमारा अच्छे से खूब हरा भरा रहता है और लीव्स भी इसकी बड़ी बड़ी होती है। और फ्रेंड्स एक चीज और, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा प्लांट जो है वो बुशी हो, खूब घना घना और अच्छे से इसकी लीव्स बड़ी बड़ी हो, तो हमें इसके लिए काम करना होता है, हमें ना इसकी पिंचिंग करते रहना होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे छोटी छोटी सी लीव्स, बेबी लीव्स आ रही है, तो इसको क्या करना होगा इसको यहाँ से पिंच करके निकालना होगा, रिमूव करना होगा। उससे क्या होगा एक तो और यहाँ पे 2 की जगह 4 और 4 से 6 लीव्स होंगी तो ये बुशी होता चला जाएगा और ये जो लीव्स हम इसको पिंच कर रहे हैं ना इसका क्या करेंगे हम इसका हम खाने में यूज कर लेंगे। हम जितना इसको पिंच करेंगे उतना ही ये और घना और हरा भरा और बड़ा होगा, तो पिंचिंग करनी बहुत जरूरी होती है। पिंचिंग करके जो लीव्स हम हटा रहे हैं उसको वेस्ट ना करें, उसको हम खाने में किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को
घना बना सकते हैं। मेरा भी ये प्लांट ज़्यादा पुराना नहीं है और अभी मैंने क्या नाम महीने भर पहले ही इसको लगाया था, नर्सरी से लेकर आई थी मैं। तो आप देख सकते हैं इसको, इतनी इसकी ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, इसका अगर हम इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो इसको कटिंग के थ्रू आसानी से लगाया जा सकता है। और जब बारिशों का मौसम होता है ना, अभी जब आगे रेनी सीजन आएगा, तो बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लग जाता है। और जैसे हम लोग खाने के लिए अगर पुदीना वगैरह लेके आते हैं ना मार्केट से, तो उसमें से भी हम इसकी जो है कटिंग लेके अगर लगाते हैं ना रेनी सीजन में, तो भी लग जाती है आसानी से। तो इसको हम आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। और इसको फैले हुए किसी ट्रे वगैरह में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से फैलता है और खूब हरा भरा एकदम से घना सा हो जाता है ये। और फ्रेंड्स, इसके डॉर्मेंसी पीरियड की बात करें तो विंटर सीजन जो होता है ना, वो इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। इसका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो समर में होता है। समर से लेकर रेनी सीजन ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके बाद जैसे ही विंटर सीजन आता है तो इसकी क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है। और ये जो प्लांट हमारा है ये अपनी ग्रोथ रोक देता है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो समर्स में इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ चलती रहती है। आप भी फ्रेंड्स लगाइए माइक्रोग्रीन पुदीने का प्लांट अपने घर में, अपने टेरेस पर या अपनी बालकनी में। और इसके जो फ़ायदे हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। चटनी और रायते वगैरह में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, तो आप भी इसको लगा सकते हैं। ऑक्सीजन और ग्रीन टी के साथ साथ, या आपको ये ऑक्सीजन तो देता ही है, ग्रीन टी भी देता है। और इसके साथ साथ इसके जो भी लाभ हैं वो आप उठा सकते हैं। और इसके पास जब अगर हमने ये कई सारे प्लांट्स लगा रखे हैं ना, और हम इसके पास जैसे बैठते हैं और हवा चल रही होती है, तो इसमें ना बहुत प्यारी सी एक फ्रेग्रेंस भी आती है। आप उसको भी फील कर सकते हो, तो बहुत प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस होती है। तो आप ये माइक्रोग्रीन प्लांट पुदीना लगा सकते हैं अपने घर में और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट की जानकारी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।